मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि आप कोई व्यक्ति को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, आप उस जगह पर सही होते हैं, लेकिन आपके द्वारा ऐसी स्थिति में रहने के बावजूद भी आपके सामने वाले आपकी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता, तो वैसी स्थिति में आप परेशान हो जाते हो। आप ये नहीं समझ पाते हो कि आखिर हम क्या करें। आपके लाख कोशिश करने के बावजूद भी वह इंसान आपकी बात को समझ नहीं पाता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? इसी को ठीक से समझने के लिए इस छोटी सी कहानी को अंत तक जरूर समझे। एक बार की बात है, एक महात्मा एक वन से गुजर रहा था। उसी समय एक व्यक्ति उनसे पूछता है कि हे मुनिवर, यदि हम किसी को उसके भले के लिए ही समझाए, लेकिन हमारे बार बार समझाने के बावजूद भी वह नहीं समझे, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? व्यक्ति की ये बातें सुनकर महात्मा उनसे कहते हैं कि अगर वास्तव में देखा जाए तो किसी भटके को सही मार्ग दिखाना या किसी को सलाह देना एक अच्छी बात है। ये काम करके आप किसी न किसी रूप में उसकी भलाई कर रहे हैं, लेकिन यदि बार बार आपके समझाने के बावजूद भी सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को नहीं समझता है, वह बार बार ये भूल करता जा रहा है, तो उसे मूर्खता कहते हैं। और जहां तक मेरा ज्ञान है कि मूर्ख व्यक्ति को समझाना व्यर्थ है। महात्मा की बातें सुनकर वह व्यक्ति ये पूछता है कि वह कैसे मुनिवर? तब महात्मा थोड़ी देर के लिए सोचते हैं और फिर उस व्यक्ति से कहते हैं, इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसे जरा ध्यान से समझो। ये कहानी एक नगर की है। उसमें एक बहुत ही धनी सेठ रहा करता था। वह बहुत ही धनी था, क्योंकि उसके पास जो भी धन थे वह उसे विरासत में ही मिला था। उसे कोई भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह सेठ अपने परिवार के साथ पूरी तरह से खुशी खुशी रहता था। उसके पास धन तो बहुत था, लेकिन उसकी एक आदत भी थी, जिसके कारण से गांव के लगभग सभी लोग उससे ना जल्दी कोई बात करते थे और ना ही उसे कोई सलाह देते थे। उस सेठ की आदत ये थी कि वह हमेशा वही करता था जो उसे सही लगता था। वह कभी भी किसी दूसरे की बात नहीं सुनता था। हमेशा वह वही काम करता था जो उसे पसंद आता था। वह अपने मन का काम कर रहा था। ये आप उसकी खराब आदत समझो या उनका अहंकार समझो, वह जो भी काम करता, सही हो या गलत, सब कुछ अपने अनुसार ही करता था। वह किसी का नहीं सुनता। यदि गांव के कुछ लोग उसे समझाने का प्रयास भी करते थे, तब भी वह उनकी बात नहीं सुनता, बल्कि उसके विपरीत ही उन्हें डांट कर भगा देता था। और यही कारण था कि उसके साथी कभी उससे कुछ कहते नहीं थे। सेठ के घर में बहुत से अनाज थे, और वास्तव में अगर देखा जाए तो वह एक अनाजों का व्यापारी था। वह हमेशा अपने घर के अनाजों को, जो वह खेती से उपजाया करता था, उसे शहर के दूसरे स्थान पर भेजता था, जिस जगह पर अनाज की कमी होती थी, क्योंकि वहां भेजने से उन्हें उनका 3-4 गुना दाम मिलता था, जिसकी वजह से सेठ और अमीर होता जा रहा था। और ठीक इसी तरह एक बार सेठ को उसके अनाजों को नगर भेजना था, लेकिन जो अनाज लेकर व्यक्ति जाता था वह उस समय छुट्टी पर अपने घर चला गया था, और अनाज को पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। और अगर व्यक्ति था भी तो बाकी सब व्यक्तियों में उस सेठ का विश्वास नहीं था। और इसी वजह से सेठ ने सोचा, क्यों ना मैं ही इस अनाज को दूसरे शहर में पहुंचा दूं। शहर तो पास में ही है, आराम से चला जाऊंगा और रात होने से पहले मैं लौट जाऊंगा। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद सेठ ने अपने घोड़े को निकाला और 10 किलो चावल की 2 बोरी को घोड़े के ऊपर लाद दिया और स्वयं उस पर बैठकर जाने लगता है। कुछ दूर चलते चलते उन्हें यह महसूस होता है कि उनका घोड़ा सही तरीके से नहीं चल रहा है। वह सोचता है कि शायद इसका भार अधिक हो गया होगा, इसलिए मैं ही उतर जाता हूँ। और यह सोचकर वह घोड़े से नीचे उतरकर घोड़े के साथ चलने लगता है, लेकिन उसे अब भी यही लगता है कि घोड़े की चलने की गति कम है, वह एक तरफ झुकता जा रहा है। वह सेठ यह सोचकर बीच मार्ग पर ही रुक जाता है। थोड़ी देर मार्ग पर विश्राम करते करते वह सोचता है। फिर सोचने के बाद उसके आसपास में जो भी जमीन में मिट्टी थी उन्हें एक कटोरी में करके एक बोरी में डाल देता है और उस मिट्टी को चावल की बोरी के ऊपर लाद देता है और उस पर बैठकर जाने लगता है। कुछ दूर आगे जाते ही वह देखता है कि घोड़ा अभी भी सही तरीके से नहीं चल रहा है। फिर वह सोचता है कि शायद इसका भार अधिक हो गया होगा और उस मिट्टी से भरे बोरी को वह घोड़े के दूसरी तरफ लाद देता है, ताकि उनका घोड़ा सही तरीके से चल सके। जिस समय यह सेट कर रहा होता है, तभी वहां से एक किसान गुजरता है, और वह किसान अनजान व्यक्ति था जो सेठ को पहचानता नहीं था, इसीलिए वह सेठ को देखकर रुक जाता है। वह ये देखता है कि सेठ एक मिट्टी के बोरे लाद रहा था। कुछ दूर जाने के बाद फिर एक मिट्टी के बोरे लाद रहा था। फिर सेठ ये सोचता है कि ना जाने मुझे आज कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तभी किसान उनसे कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, एक तरफ अनाज और दूसरी तरफ मिट्टी क्यों लाद रहे हैं? किसान की ये बातें सुनकर
सेठ उनसे कहता है, घोड़े के ऊपर एक तरफ अनाज होने से उस पर भार ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से वह एक तरफ झुक जा रहा है। मैं भार को बराबर करने के लिए दूसरी तरफ मिट्टी लाद रहा हूँ ताकि उनका भार बराबर हो सके। सेठ की ये बातें सुनकर किसान उनसे कहते हैं, यदि एक तरफ भार ज्यादा है तो आप दोनों तरफ एक एक अनाज क्यों नहीं रख देते हैं? आप बेवजह इनके ऊपर मिट्टी की बोरी डाल रहे हैं, इससे घोड़े का ऊपर का भार और बढ़ जाएगा, जिसका परिणाम यह निकलेगा कि आपका घोड़ा और नहीं चल पाएगा। अगर आप अनाज के बोरे को उनकी पीठ के दोनों तरफ रखेंगे तो उनका भार भी कम होगा और एक समान भार को लेकर घोड़ा आराम से चल पाएगा। मिट्टी के बोरी लादने से इसके ऊपर भार तो और अधिक बढ़ गया है। किसान की ये बातें सुनकर उस सेठ को अधिक क्रोध आ जाता है और उनसे कहता है कि तुम स्वयं क्या करते हो। यह सुन किसान कहता है कि मैं खेती करता हूँ। सेठ आगे दोबारा से कहते हैं कि तुम्हारे पास कितना धन है। यह सुनकर किसान चुप हो जाता है और धीरे से मुस्कुराकर कहते हैं कि आप जितना नहीं है। यह सुनने के बाद सेठ गर्व से अपना सर को उठाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारा मेरे आगे कोई स्थान नहीं है, फिर किस अधिकार से तुम मुझे सलाह दे रहे हो? क्या तुम मुझसे स्वयं को अधिक समझदार समझते हो? यदि मैं तुम्हारे अनुसार चलूंगा तो मैं तुम्हारी तरह गरीब बन जाऊंगा। मेरी अकल तुमसे कहीं गुना ज्यादा है, मेरी समझ तुमसे कहीं अधिक है, इसीलिए तो मैं इतना धनी हूँ। सेठ की ये बातें सुनकर किसान उनसे कुछ भी नहीं कहते हैं और वे चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि किसान ये समझ जाता है कि वह सेठ बिल्कुल मूर्ख है। उसे समझाना व्यर्थ है, बेहतर यही होगा कि उनसे दूर रहें। इतनी बात होने के बाद सेठ वहां से आगे बढ़ जाते हैं और जब वह अनाज बेचने पहुंचता है तो वहां के मालिक भी यही देखकर उस किसान की तरह बात को समझाते हैं, सेठ को सलाह देते हैं। लेकिन मालिक की ये बात सुनकर सेठ को और अधिक क्रोध आ जाता है और उसे भी बुरा भला कह के वहां से चले जाते हैं। वह खरीदार मालिक ये समझता है कि यह सेठ तो धनी है, लेकिन उसके साथ ही साथ यह बहुत बड़ा मूर्ख है, और वह मालिक भी उस सेठ से आगे कुछ भी नहीं कहता। दोस्तों, कहानी को यहीं पर समाप्त करते हुए महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं कि जिस प्रकार सेठ को बार बार समझाने के बावजूद भी उसे कोई समझा नहीं सका, वह किसी की बातों को नहीं समझ रहा था, बल्कि उसका विपरीत ही दूसरे को अपमान कर रहा था। अगर ऐसी स्थिति तुम्हारे साथ भी आए तो उन सेठ की तरह तुम्हें भी दूसरे व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, उसे मूर्ख समझकर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हारी बातों को नहीं समझेंगे। वह तुम्हारी बात को तभी समझेंगे जब उनके साथ स्वयं कोई घटना हो, वह स्वयं उस घटना में कोई ठोकर खाए। इसीलिए एक बार उसे ठोकर खाने देना चाहिए, उसके बाद से वह तुम्हारी बातों को मानेंगे। इतनी बातें कहकर महात्मा अपने रास्ते में चले जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर आपके सामने वाले भी आपकी बात को नहीं मानते हैं, आपके बार बार समझाने के बावजूद भी वह आपकी सलाह नहीं लेते हैं, तो आपको उन्हें कोई सलाह देना नहीं चाहिए। आपको उस जगह पर चुप हो जाना चाहिए और उनसे दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति मूर्ख है और वह व्यक्ति अपनी मूर्खता के कारण ही एक दिन अपने कामों में फंसेगा, वहां ठोकर खाएगा, उसके बाद से वह आपकी बात को मानेंगे। इस कहानी से और एक सीख मिलती है, जिस प्रकार सेठ घोड़े के ऊपर मिट्टी की बोरी लाद रहा था, जो काम बिल्कुल व्यर्थ था, जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा था, ठीक इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में बेकार के भार को लेकर घूमते हैं, जिसका ना तो कोई महत्व होता है और ना ही कोई आवश्यकता, लेकिन फिर भी हम स्वयं को उसके नीचे दबा कर रखते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि ये व्यर्थ के भार हमारे जीवन में परेशानियों को लाती है, हमारे जीवन में दुखों को लाती है। इसीलिए आज से ही कोशिश करें कि आपका भी जीवन कहीं उस घोड़े की तरह तो नहीं है, आपका भी जीवन कहीं उस सेठ की तरह तो नहीं है, कहीं आप व्यर्थ के भार को लेकर तो नहीं चल रहे हैं, व्यर्थ की बातों को अपने मन में लेकर तो नहीं घूम रहे हैं, क्योंकि यही व्यर्थ की बातें, व्यर्थ का भार, व्यर्थ की घटनाएं आपके मन में घूमता रहेगा, और आपका मन इसी संसार में आपको घुमाता रहेगा, आपको परेशान करता रहेगा। जिस दिन से आप उन भार को समझ लेंगे, उन व्यर्थ की चीजों को अपने जीवन से दूर करेंगे, इन व्यर्थ के बातों को, विचारों को अपने मन से हटाएंगे, उस दिन से आपका मन शांत होगा और आपका जीवन भी आसान होता चला जाएगा। उसके बाद से आप इस जीवन का आनंद ले पाएंगे और एक सुखी जीवन जी पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा और आपके क्या विचार है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या पता आपका एक कमेंट
किसी का जीवन बदल दे। धन्यवाद।